रिंकू शर्मा हत्याकांड में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने दिया आरजेएम राहुल सिलाड़िया को महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपकर जानकारी के अनुसार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 10 फरवरी को रिंकू शर्मा अपने भाई के साथ श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह करके घर आया था। रात को मोहल्ले के मुस्लिम जिहादियों ने संगठित होकर घर में घुसकर रिंकू और उसके परिवार पर हमला कर दिया। मौका पाकर रिंकू शर्मा की पीठ में चाकू मारकर हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस मुस्लिम जिहादियों के प्रभाव और दबाव में अपराधियों को बचाने में लगी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हुए बताया कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी व अन्य हमलावरों पर रासुका लगाई जाए। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाए। इस दौरान ज्ञापन देने में राहुल दुबे, प्रमोद खरे, लल्लू आजाद अग्रवाल, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी, संदीप नरवरिया, मयंक दुबे, मोहित अवस्थी, आकाश शुक्ला, संजय दुबे सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता राम भक्त मौजूद रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए विजावर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।